नमस्कार, मैं रंजन शर्मा। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी काफी तेज हो गई है। भले ही किसी राजनीतिक पार्टी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं किया है, लेकिन संभावित उम्मीदवार अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख पक्की हो गई। चुनाव आयोग ने ऐलान भी कर दिया है, बस संभावित उम्मीदवार की जरूरत है अपनी पार्टी से हरी झंडी मिलने की। वहीं सरायरंजन विधानसभा के विधायक सह विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने सरायरंजन विधानसभा की कई पंचायत में जनसंपर्क किया। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान विजय कुमार चौधरी ने अपने कार्यकाल के समय के विकास एवं तमाम कार्यों का उल्लेख करते हुए वहीं जनता से उन्होंने सही गलत का फैसला करने एवं सही उम्मीदवार चुनने की बात की है। वहीं आगे क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। ईंट के जैसा रंग बदलने वाला है, उसके पास न तो कोई कार्यक्रम है न ही कोई एजेंडा। वह सिर्फ अफवाह फैला कर लोगों को गुमराह कर और इस वोट में कहीं जातिवाद का विस्मरण कर, कहीं ऊंच नीच का भेदभाव बताकर यही औजार लेकर हमारे इस चुनाव में मुकाबला में वह करने का काम किया है। इसलिए हम लोगों को उस फामी में नहीं रहना चाहिए और अपने वोट को, इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि अब तो चुनाव का समय है। हाजिरी संयोग से मेरा विधिवत हाजिरी स्वटगामे से शुरू हो गया है। आने वाले समय में फिर देर सवेर चुनावी माहौल है, आने का मौका लगे नहीं लगे तो आजे पूरा गांव के लिए हमारा हाजिरी दर्ज कर लीजिए सवारी। और अभी के बाद से अगर मेरी बात सही लगी और आपका दिल कहता हो कि हम सही बोले हैं, तो आज के बाद से हर आदमी जहाँ जाइए अपना काम करते हुए, अपना काम खेती बाड़ी बिजनेस धंधा जो जो करते हैं उसको हर्जा करने का जरूरत नहीं। अपना काम करते हुए सिर्फ इतना जरूर का है कि हमको विश्वास है कि आप जहाँ खड़े रहिएगा ना, जहाँ पूरे विद्यापति नगर सरायरंजन क्षेत्र में जहाँ खड़ा होके बात करिएगा वहीं आपको कुछ न कुछ नजर आ जाएगा। इधर देखिएगा तो सड़क मिलेगा, ऊपर देखिएगा बिजली मिलेगी, बगल में देखिएगा चापाती वो नल वाला पानी मिलेगा, दूर देखिएगा नरभोगी का अस्पताल दिखेगा। जहाँ खड़े रहिएगा ना वहीं हमारा काम नजर आएगा। जान लीजिए वो ऐसा जगह नहीं है जहाँ कुछ नजर नहीं आएगा आपको। इसलिए आप सब आदमी जो है सो सब आदमी से हम यही कहेंगे कि फिर 7 तारीख को चुनाव होगा, सब लोग एकजुट होके मदद करिए। और जो लोग अलग रहना चाहते हैं हम सब आदमी को अपना प्रतिनिधि बना देते हैं। जो अगर अलग जाने की बात करें उनसे प्राइवेट में पूछिएगा जरूर कि भाई आपको क्या मैंने आप क्या सोच के अलग जा रहे हैं, तो जरा हमको बता दें। काहे कि हमको विश्वास है जो सोचेगा वो अलग नहीं जाएगा, जो नहीं सोचेगा वही अलग चला जाएगा। इसलिए आप उनसे कान में पूछ लीजिएगा, हमारी हाजिरी दर्ज कर लीजिए, चुनावी हाजिरी भी। अब आगे आने जाने का मौका लगे नहीं लगे अब आप ही लोग हमारे लिए बाहर निकल जाइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से खास के रितेश जी और बैजनाथ बाबू को जो उन्होंने ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया कि आप सब लोगों से एक साथ बात करने का मौका लगा। और ये जो है सो जो लोग आज शामिल हुए उनको बहुत बहुत बधाई।